हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेकअपिस्ट। मैं हूँ रितु। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि ये वाला मेकअप लुक है। तो ये एक मुस्लिम ब्राइड मेकअप लुक है, ब्राइड या फिर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कह लो। इस लुक को आप किसी भी वेडिंग, अपने वेडिंग में भी कर सकते हो या फिर वेडिंग गेस्ट कोई भी आप हो तो आप इसको कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि पर्पल की प्राइमर है। तो इसको मैं सबसे पहले अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसको अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई कर। उसके बाद हम यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि पर्पल की फाउंडेशन है, सेम ब्रांड का। इसको हम अपने पूरे फेस पे डॉट 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 करके अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं अपने अंडर आइज ये सबको हाईलाइट करने के लिए। तो इसको मैं अपने अंडर आई और माउथ के अराउंड अप्लाई कर लिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसको अच्छे से अपने दोनों आई सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने फेस की कॉन्टूरिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनसाइड की कॉन्टूर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपने जॉ लाइन और नोज़ और ये सबको थोड़ा कॉन्टोर, इसकी थोड़ी कॉन्टोरिंग करूँगी। उसके बाद हम एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे दोनों साइड। उसके बाद हम अपने पूरे फेस को जहाँ जहाँ हमने कंसीलर और फाउंडेशन ये सब को यूज़ किया तो उसको अब सेट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने ब्राउज को फिल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इससे हम अपने ब्राउज को अच्छे से फिल कर लेंगे दोनों ब्राउज को और उसको एक स्पूली ब्रश की हेल्प से अच्छे से कोम कर लेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो एक ही जगह ना रह जाए, वो इक्वली स्प्रेड हो हर जगह। और जो हमने पाउडर से अपने फेस को सेट किया था, जो एक्सेस है उसको डस्ट ऑफ कर लेंगे अब। तो अब हम यहाँ पे अपने आई मेकअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन कलर को अपने क्रीज के ऊपर में ब्लेंड किया है और दोनों आई स्पेस को अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम मरून टाइप का शेड को मैंने पहले क्रीज में लगाया, फिर एक ब्लैक कोल को मैंने अपने आउटर वी के साइड से हाफ आउटर वी से हाफ लेट तक अप्लाई किया दोनों अपने आईज पे। पहले मैंने इसको अपने हाफ लिड तक ही किया था, उसके बाद इसको पूरे आई पे ही मैंने काजल को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब इसके ऊपर हम एक मरून शेड को लेके इसके काजल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हाफ लिड में मरून शेड को अप्लाई करने वाले हैं और लोअर लैश लाइन को भी हम यहाँ पे स्मोक आउट कर रहे हैं सेम मरून कलर को लेके। और यहाँ पे एक हम मैंने पहले एक रेड ग्लिटर को अपने इनर कॉर्नर से हाफ लिड तक अप्लाई किया, उसके ऊपर एक गोल्डन ग्लिटर को लेके बस अपने सेंटर लिड पे प्लेस किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने अपने दोनों चीक्स पे अच्छे से ब्लश को अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर से अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स को थोड़ा और हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि अपने नोज़ को, अपने इनर कॉर्नर को, ब्राउ बोन को, सबको अच्छे से हाईलाइट कर लिया है यहाँ पर मैंने।
यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ अपने दोनों आईज पे। उसके बाद हम मस्कारा लगाने से पहले अपने आईलेस को अच्छे से कर्ल कर लेंगे। तो आईलेस कर्ल से उसको मैं अच्छे से कर्ल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेबलिन के एक मस्कारा को यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये जो लिपस्टिक है ये एक न्यूड शेड का लिपस्टिक है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने पूरे फेस को सेटिंग स्प्रे के हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। तो उसके बाद हमारा जो फाइनल लुक दिखेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।